कि इस देश में अभी संविधान को संपूर्णता बीजेपी के ओर से स्वीकार किया नहीं गया। प्रधानमंत्री भी एक तरफ ये बात करते हैं कि संविधान कभी नहीं बदलेगा, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं, उनके लोगों से कहलाते हैं कि संविधान बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। बीजेपी के एमपी और वर्करों से और आरएसएस के लोगों के मुंह से जब निकलता है 2/3 मेजॉरिटी का, यही उद्देश्य होता है कि संविधान बदलने के लिए। इसीलिए बार बार मोदी जी भी कहते हैं 400 पार। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में अभी संविधान को संपूर्णता बीजेपी के ओर से स्वीकार किया नहीं गया और वो बार बार आरएसएस, बीजेपी एक तरफ, प्रधानमंत्री भी एक तरफ ये बात करते हैं कि संविधान कभी नहीं बदलेगा, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं, उनके लोगों से कहलाते हैं कि संविधान बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए, इसीलिए आप 2/3 मेजॉरिटी दो, हम संविधान बदलेंगे। ये कोई मामूली आदमी नहीं बोला, ये कोई फ्रिंज, क्या बोलते इसको, फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये तो बीजेपी के नेता है, एमपीज हैं, आरएसएस संगठन है, ये पहले से बोलते आए हैं। आज फिर उन्होंने दोहराया, कर्नाटक में दोहराया और दूसरे जगह भी वो दोहरा रहे हैं कि इसको संविधान को बदलना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा सोशल जस्टिस के खिलाफ है और संविधान में जो सेक्युलरिज्म शब्द आया है उसके खिलाफ है और खास करके बीजेपी और आरएसएस और आरएसएस प्रमुख नेता जो हमारे क्या नाम मोहन भागवत जी, सॉरी मोहन भागवत जी, ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। वो हमेशा यही बात करते हैं, कभी मेरिट की बात करते हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी रिजर्वेशन निकालने की बात करते हैं और कोई कहीं प्रश्न आया, कोई पूछे, नहीं अब तो नहीं संविधान बदलेंगे, अब आगे देखेंगे। तो ये जो मानसिकता है, मैं ये कहूंगा ये बड़ी एक बुरी मानसिकता है, इससे देश में हंगामा मचेगा अगर आप संविधान को बदलने की बात बार बार अगर करते रहेंगे। एससी एसटी का रिजर्वेशन संविधान में तो दिया गया है, अब क्या बदलना चाहते हैं आप, ये सवाल आज पूरे देश के सामने है। और हमेशा ये कहते हैं अभी भी
कि क्योंकि 2/3 मेजोरिटी होना अगर किसी के बीजेपी के एमपी और वर्करों से और आरएसएस के लोगों के मुंह से जब निकलता है 2/3 मेजोरिटी का, यही उद्देश्य होता है कि संविधान बदलने के लिए। इसीलिए बार बार मोदी जी भी कहते हैं 400 पार। क्यों कहते हैं? अरे आप 2/3 मेजोरिटी दे दो, हम संविधान बदलेंगे। लेकिन वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, किसी के मुंह से वो बोलने लगाए हैं। नहीं तो अगर मोदी जी के पास हिम्मत है, अरे ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है, सोशल जस्टिस के खिलाफ है, मेरा पार्टी का आदमी अगर कोई बोलेगा उसको पार्टी के बाहर निकालूंगा, अगर ये हिम्मत करे तभी लोगों को विश्वास होता है। एक तरफ तो तुम चुप बैठते हो, ये दूसरे तरफ संविधान की रक्षा हम करते हो ये कहते हैं, तो ये जो देश में चल रहा है और उसका मकसद भारी बहुमत लेने का, संविधान बदलने का ही उनका इरादा है। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।